গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাম পাদরেণুমবীক্ষণশ যাশাম হরির্কথোদ্গীতম পুনাতি ভুবনত্রয়ম ভক্ত্যা বিহীনামপরাধলক্ষে ক্ষিপ্তাশ কামাদিতরঙ্গমধ্যে কৃপা ময়ি ত্বাম শরণম প্রপন্নম বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে পরম করুণা বরুণালয় ভগবতী রস বিগ্রহ সচিনন্দন শ্রী গৌরহরি আপনি হি অভিন্ন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কে নাম মে ইস প্রকার উন্মত্ত হ্যা কি নাম কা স্মরণ করতে করতে আগর কভি ভগবত লীলা বিরহ রূপী উস দশা মে আপনি আপকে জর্জরিত করতে হুয়ে বিরহ কো অনুভব করতে হ্যা তো উসি ক্ষণ সময়কে বিরহ মে কৃষ্ণ দর্শন লালসা সে ইস প্রকার পাগল হো জাতে হ্যা কি উঠিল ভাব চাপল মন হইল চঞ্চল ভাবের গতি বুঝানো না যায় অদর্শনে পড়ে মন কেনে বেপে মনে পাইব দর্শন কৃষ্ণ ঠাই পুছেন উপায় স্বয়ং কৃষ্ণ নাম কে প্রতিমূর্ত বিগ্রহ হোনে পর ভি কৃষ্ণ নাম কো হি স্বয়ং কৃষ্ণ কে রূপ মে আপনে সামনে প্রতিষ্ঠিত দেকর কে উস কৃষ্ণ নাম রূপী সে বিগ্রহ কো পুছ রহে হ্যা কি তুমারে দর্শন কে বিনা অথবা তুমারে অদর্শন সে মেরা ই যো অশুভ রাত্রি হ্যা আর অশুভ দিন হ্যা ই কে এসে আওয়াজ কিউ হো রহি হ্যা উসকো কিস প্রকার সে মে ব্যতীত করু আরে না আওয়াজ ইধর সে কম লাগ রহা তো অজীব সা আওয়াজ অর্থাৎ কৃষ্ণ দর্শন কে বিনা কৃষ্ণ স্মরণ কে বিনা
हमारे प्रत्येक क्षण, क्या दिन क्या रात, वो अशुभ है। और इस प्रकार अशुभ क्षण में अपने व्यतीत किया हुआ समय हमेशा अशुभ फल ही प्राप्त कराता है। और अशुभ फल क्या है? संसार के प्रति जितना हमारा चित्तवृत्ति आसक्त होगा, उतना ही अशुभ मनोवृत्ति हमारे अंदर में घर बैठ के रहेगा। तो उस समय को मैं कैसे व्यतीत करूं? तुम तो अनाथों के भी नाथ हो, बंधु हो, अपार करुणा के समुद्र हो, कृपा करके मुझे अब जिस किसी रूप में दर्शन दो, अन्यथा कृपा करी देह दर्शन। और बोलते इस प्रकार दर्शन के प्रार्थना से प्रमत्त होकर के श्रीमन महाप्रभु कभी किस भाव में अपने आप को खो देते हैं और इतना चंचल हो जाते हैं कि उनके उस चंचलत्या पुण्य भाव को समझना सबके लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण के अदर्शन से उनका चित्त जर्जरित होते जा रहा है, जलते जा रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो वो स्वयं कृष्ण से ही पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम बताओ तुम्हारे दर्शन में कैसे प्राप्त करूं। क्योंकि महाप्रभु वहां पर भगवान श्री कृष्ण के नाम और श्री कृष्ण में किसी प्रकार का भी पार्थक्य नहीं देख रहे हैं। स्वयं अपने मुख से विगलित कृष्ण कृष्ण ये नाम को कृष्ण स्वरूप में दर्शन करते हुए उसे कृष्ण स्वरूप रूपी नाम को पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण स्वरूप नाम, तुम ही बताओ कि मैं कैसे दर्शन पाऊं कृष्ण का। बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं, तत्सैषव त्रिभुवनाथ भूतमित्यवेहि मच्चापचञ्चल्यं तव वा मम वाधिगम्यम्, तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखं भुजमुदीप्तिं उलक्षणाभ्यायम्। कहते हैं, हे वंशी विलासी कृष्ण, तुमको क्या पता, तुम तो अपनी वंशी के विलास में, उस वंशी के उन्नत भाव में, उस वंशी के तरंग रूपी मदनाख्य भाव में तुम इतना प्रमज्जित हो कि अपने विरह विधुरा इन पागलिनी सेवक सेविका के प्रति तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तुम नित्य निरंतर उस बंसी के तरंगायित मधुरिवा में अपने आप को प्रमजित करके रखते हो, कभी उससे भी बाहर आके तो देखो तुम्हारे लिए मेरे जैसे पागली हमारे जैसे पागलिनी किस प्रकार पागल हो के तुम ही से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ मिलोगे। जब भी मैं श्रवण करता हूँ तुम्हारी उस बचपन काल का शैशव काल का माधुर्यमयी लीला, उस माधुर्यमयी कीर्ति को, तब तुम्हारी उस माधुर्यमयी उस चपलता से परिपूर्ण ऐशवता से परिपूर्ण लीला में अपने आप को प्रमज्जित करने के लिए मैं पागल जैसा हो जाती हूँ, पागलिनी प्राय हो जाती हूँ। क्या तुम ही बताओगे कभी मुझे? तद किम करो मैं विरलम मुरली बिलासी, ये तो केवल मैं ही जानती हूं, तुम तो नहीं जान सकते हो। तुम्हारे उस विरह व्यथा से मैं किस प्रकार जर्जरित हो रहा हूं, किस प्रकार जलित हो रहा हूं, तुम तो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम तो अपने उस मुरली की छटा में छटाहित हो। क्या पता तुमको, मुग्धम मुखाम भुजम दीप्तिम अलुक्षणम अभ्यायाम। अपने इन दोनों चक्षुओं को एकांत भाव से
तुम्हारे उस सुंदर रूप को दर्शन करने के लिए क्या तुम मेरा सहायता करोगे? क्या मेरे आँखों के मेरे नयन के नयनाभि गोचर होने के लिए तुम मेरे नयन के अंदर प्रवेश करोगे? इस प्रकार परम विरह व्यथा से श्रीमन महाप्रभु श्री नाम की महिमा को, नाम के कीर्ति को, नाम के अंदर समुचित भगवत माधुर्यमयी कीर्तन को, कीर्ति को, गुण को अनुभव करते हुए शिक्षा दे रहे हैं कि नाम बिना काली काले नहीं आर धर्म, कि भगवत नाम के सिवा इस कलियुग में दूसरा कोई धर्म नहीं है, भगवत नाम के सिवा इस कलियुग में दूसरा कोई साधन नहीं है, और भगवत नाम के सिवा इस कलियुग में दूसरा कोई साध्य भी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कई दिन से नाम की महिमा को किस प्रकार से मन महाप्रभु अपने भाव के उद्गम के द्वारा जगत जीव को शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे हैं, और किस प्रकार शिक्षा देते हैं, किस प्रकार उस नाम को जप करने से हम परम प्रेय रूप कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे, उसके बारे में भी बताते हैं। प्रभु कहे कहिला महामंत्र यहा गिया जप सबे करिया निर्बंध, यहा होते हईबे सर्व सिद्धि सवार सर्वक्षण बोल थे विधि नाहिया। भगवान श्री कृष्ण अव्यक्त रहते हुए भी नित्य निरंतर अपने नाम में व्यक्त रहते हैं। अब के पास भगवान अपने आप को कितना भी छुपा ले, लेकिन भक्तों के सामने भगवान अपने आप को कभी भी अप्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के अंदर में स्वयं भगवान के उस स्वरूप को भगवान के प्रियजन ढूंढ ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। क्यों? कि अभिनत नाम नामिनो, कि हे प्रभु आप और आप अपना नाम में किसी प्रकार का भेद नहीं है, और आपने ही तो स्वयं बोला कि मैंने मेरे प्रत्येक नाम में मेरे सब प्रकार के शक्ति को अभिनिहित करके रख दिया हूं। इसलिए अपने भक्तों के सामने आप अपने आप को कभी छिपा नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु इस नाम रूपी भगवत स्वरूप को अपने हृदय आभ्यंतर में नित्य निरंतर कर बिठाने के लिए, वहाँ पर प्रतिष्ठित करने के लिए आदेश देते हैं, और निर्बंध होके किसी प्रकार का चांचल्यता से दूर होकर के निर्बंध एकमात्र उस भगवान को ही अपने हृदय में बंधन के द्वारा बंधित, प्रेम रूपी बंधन के द्वारा बंधित करके उसका सेवा करो, उसका कीर्तन करो। इसी में ही सबके सर्वसिद्धि है। इसके सिवा योग, ज्ञान, तप, ये सब कोई ऐसा विधि नहीं है जो तुमको इस संसार से निस्तार कर सकता है, केवल भगवत नाम के सिवा। इसलिए महाप्रभु किस प्रकार से, महाप्रभु ने तो दे दिए हमको उस अमृत को, लेकिन उस अमृत को किस प्रकार से आस्वादन करना है, उसको किस प्रकार से ग्रहण करना है, उसके बारे में रूप गोस्वामी के द्वारा सिखाते हम लोगों को। कहते हैं
सधर्मस्य अवबोधाय येषां निर्बन्धिनि मतिः अचिरादेव सर्वार्थः सिद्ध्यत्येषाम् अभीप्सितः। सद्धर्मस्य अवबोधाय, अगर संसार में कोई धर्म है, सत धर्म है, जिसको केवल और केवल सेवा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जिसके द्वारा केवल निर्बन्धिनी मति के सहयोग से अपने हृदय में बांध लिया जा सकता है और जिसके द्वारा कुछ ही समय में अचिराद एव सर्वार्थ सिद्धि, सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है, वो है केवल भगवत नाम। उसको किस प्रकार से लेना पड़ेगा? निर्बन्धिनी मति कहने पर, बोलते निर्बन्धिनी मति सह कृष्ण नाम करे अति शीघ्र प्रेम फल से नाम धरे। हमारा मति को निर्बन्धिनी करना पड़ेगा, अर्थात एक जगह में बांधना पड़ेगा, अलग अलग जगह में नहीं। केवल भगवान के सुखमय तात्पर्य पर चित्त वृत्ति को लेकर के जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो वही कीर्तन, वही स्मरण अति शीघ्र हमको फल प्रदान करेगा। और किस प्रकार? प्रेम नाम धरे, प्रेम रूपी फल प्रदान करेगा। अब किस प्रकार से निर्बन्धिनी होके उस भगवत नाम का हम स्मरण करें? हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी लिखते हैं, तुलसी काष्ठ घटितेर मणिर भीर जप मालिका सर्व कर्माणि सर्वेषाम ईप्सितार्थ फलम प्रदान गोपृच्छ सदृशी काज्यम श्रद्धा सर्पाकृति शुभा तर्जन्यान स्वशेषभूत्रम तंपयेद न विधुनयेद अंगुष्ठ पर्व मध्यस्थम। अंगुष्ठ मध्य पर्वस्तम परिवर्त समाचरे न स्पुषेत वाम हस्ते न कर भ्रष्टाम न कारयेत भुक्तौ मुक्तो तथा कृष्टौ मध्यमायम जपे सुचि। देखो किस प्रकार से यत्न के साथ भगवान के नाम को श्री मालिका में जप करना चाहिए, उसके बारे में नियम बता रहे हैं। बोलते माला हमेशा तुलसी के काष्ठ का या मणि के द्वारा निर्मित होना चाहिए, और इस पर तुलसी के काष्ठ के द्वारा या मणि के द्वारा निर्मित माला में अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराते हैं। और बोलते ही माला का आकार गाय के पूंछ के जैसा या सर्पाकृति सर्प के आकार जैसा, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला होना चाहिए, और ऐसा होने से वो जब माला शुभकारी होती है, शुभ फल प्रदान कराती है नित्य निरंतर। और जब माला में कभी भी तर्जनी के द्वारा जब माला को स्पर्श नहीं करना चाहिए, निरंतर ये बड़े अंगुष्ठी और मध्यम अंगुष्ठी के बीच में रख करके यत्न के साथ जब करना चाहिए, और बार बार माला को ऐसे ऐसे नहीं हिलाना चाहिए। ऐसे करते ना, दो चार माला करेंगे फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर दो चार माला फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं हिलाना चाहिए। हैं अंगुष्ठ पर मध्यस्थम परिवर्त समाचरे न स्पुषेत वाम हस्ते न कर भ्रष्टाम न कारयेत, अपने लेफ्ट हैंड में कभी भी श्री मालिका को स्पर्श नहीं कराना चाहिए, और दूसरा हाथ को माला को छूने से माला भ्रष्ट हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, इसलिए लेफ्ट हैंड में कभी भी श्री मालिका को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर भगवत प्रेम चाहते हो, भगवान के प्रति नाम के प्रति निष्ठा चाहते हो तो भुक्तो मुक्त था कृष्टो मध्यमायम जपेत सुचि ही।
मध्यमा और मध्यमा उंगली में और बड़ा अंगूठे में भगवान के नाम माला को स्थापित करके जप करना चाहिए। किस प्रकार नियम है ये तो सादा, ये तो गौण नियम बता दिया, मुख्य नियम क्या है? और भी गौण नियम है। बोलते मन संगरणम शौचम मौनम अंताथ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जपम जपम संपत्ति हेतवः। बोलते हैं मन संगरणम शौचम, मन को हमेशा संयमित करके एकाग्र मन से जप करना चाहिए, अर्थात कृष्ण इतर विषयों से, कृष्ण के विषय, कृष्ण विषय से विषयित वस्तुओं को छोड़ करके दूसरे भी किसी वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। सब प्रकार के वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का चिंतन को परित्याग करके शुद्ध चित्त से नाम के द्वारा, नाम के अर्थ को स्मरण करते करे, नाम अर्थार्थवित भवेत, नाम के अर्थ को स्मरण करते करते धैर्यपूर्वक अव्यग्र चित्ते, व्यग्रता नहीं अव्यग्र चित्ते स्थित होकर के भगवान के श्री नाम ही मेरा परम संपद है, इस प्रकार चिंतन करते करते जप करना चाहिए। जप काले मन के एकाग्र भावे लह चित्त शुद्ध था को वृथा कथा न कह, नामार्थ चिंतह सदा धैर्याश्रय कर, नामेति आदर करी कृष्ण नाम स्वर। मन संग्रहणम, किस प्रकार से मन को संयमित करे? बोलते अपने अभिष्ट नाम को जब नामी के लीला को, गुण को चिंतन करते करते जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो हमारा चित्त वृत्ति स्थिर होगा, अन्यथा नहीं। बद्ध का, बद्ध जीव का तो स्वभाव ही है, हमेशा बद्ध दशा में स्थित होने के कारण बद्ध दशा से परिव्याप्त इस संसार के प्रत्येक वस्तु को चिंतन करना उसका स्वभाव है। लेकिन उस अनन्य चिंता अर्थात संसार रूपी इस भोग विलास अनर्थ को चिंतन कर को दूर करने के लिए बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, उस मन को संयम करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। क्या जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जन रंजनाय परमाक्षरत कृते, कि हे नाम स्वरूप आप तो जीव के समस्त प्रकार के अमंगल को और अशुभ को दूर करके उसमें शुभदायी का फल प्रदान कराते हैं, इसलिए मैं भी आपके शरण में हूँ। इस प्रकार शरणागत कौन होता है जिसका कोई और शक्ति सामर्थ्य नहीं रहता है। जब कोई राजा युद्ध में हार जाता है, देखा उसके सारी सेना मारे जा चुकी है, उसका सारी हथियार भी नष्ट हो चुका है, ऐसी अवस्था में वो राजा शरणागत हो जाता है क्योंकि उसके पास वो कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं रहता। इस प्रकार जब तक भक्ति के राज्य में भी अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति करने के लिए हम दम्भ रखेंगे तब तक शरणागति को कभी भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार शरणागत होकर भगवान के नाम स्वरूप के श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतन, शौच किया है। जब तक हम अपने बाहरी वृत्ति को, अपने शरीर को, अपने कपड़ों को शौच यानी पवित्र नहीं रखेंगे तब तक हमारे मन के वृत्ति भी पवित्र नहीं होगा, और जब तक मन के वृत्ति पवित्र नहीं होगा तब तक चित्त वृत्ति पवित्र होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए क्या करना चाहिए हमको, बाह्य पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्नान आदि करके नित्य
शौच वस्त्र धारण करना चाहिए, धुला हुआ कपड़े पहनना चाहिए। और काम क्रोध इत्यादि जो 6 प्रकार के शत्रु है उसको दमन करने के लिए भगवान के शुद्ध नाम के स्वरूप को चिंतन करना चाहिए। अन्यथा वो 6 प्रकार के रिपु, 6 प्रकार के शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सज्यम, ये भी हमारे शुचिता में पवित्रता में हमेशा बाधा डालते रहेंगे। ऐसा मौन, कृष्ण इतर विषय को छोड़ करके संसार के विषय वार्ता में जितना हम लोग संयमित रहेंगे उतना ही हमारा मन भी उधर ही आकृष्ट होगा। इसलिए केवल कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण प्रसंग को बोलना सुनना ही मौन होता है। इस प्रकार का भी मौन लेकर के भगवान के नाम कीर्तन कर सकते हैं। अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो, अव्यग्र मतलब अस्थिर नहीं होना चाहिए कि मैं इतना साल से भगवान के नाम जप कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का तो कोई कृपा ही नहीं मिल रहा, अभी तक कोई अनुभव भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार जब हम लोग व्यग्रता को प्राप्त हो जाएंगे तब भी भगवान के नाम के प्रति हमारा विश्वास धीरे कम होता जाएगा। इसलिए अव्यग्रत चित्त से फल के आशा किए बिना स्थिर रहना चाहिए। और अनिर्वेदो जप संपतित एवतः, अव्यग्रत धैर्य धारण पूर्वक भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार किस प्रकार से भगवान के नाम को जप करना है, किस प्रकार से मालिका को धारण करना है, किस प्रकार से मन को निग्रह करना है, किस प्रकार से पवित्रता मौनता शुचिता हैं धैर्यता को स्थापित करके एकनिष्ठ करके भगवान के नाम के चरणों में शरणापन्न होना चाहिए। किस प्रकार से प्रपत्ति पूर्वक शरणागति पूर्वक आत्मवेदन त्वा पदे करी हैनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदिकी आनंद देखी। और जिस समय इस प्रकार शरणागत होकर के भगवान के नाम के चरण में अपने आप को आत्मसमर्पित कर देंगे, सब प्रकार के दुख सब प्रकार के क्लेश दूरीभूत होकर के अशोक अभय अमृत आधार स्वरूप भगवान के चरणों में सुख धैर्य संपत्ति इस प्रकार के फल प्राप्त होने का अपने आप ही अभिलाषित वस्तु प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ अमृत स्वरूप है, वह स्वरूप है। और जब इस प्रकार से हम आत्मनिवेदन करेंगे भगवान के नाम के चरणों में तभी नाम का क्या अर्थ है, भगवत नाम के क्या स्वरूप है, वो हमारे चित्तवृत्ति में संबंध ज्ञान के साथ उदित होगा। गोपाल गुरु का नाम सुना? गोपाल गुरु ने भगवान के श्री नाम की यानी महामंत्र के प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द का खूब सुंदर रूप से व्याख्या किया है। और उनके इस प्रकार व्याख्या को श्रीमद् महाप्रभु ने भी बड़े ही प्रेम के भाव से उसको अनुमोदन किए थे। क्या था वो? विज्ञाय भगवत तत्वम चिद्घनानंद विग्रहम हरति अविद्याम तत्कार्यमतो हरिरिति स्मितः, हरति श्री कृष्णा मनः कृष्णह्लाद स्वरूपिणी अतो हरत्यनेनैव श्रीराधा परिकीर्तिता। अनेक सुख स्वामी श्यामः कमललोचनः
गोकुलानंदनो नंद नंदन कृष्ण ईर्ज्यते वैदग्धिसार सर्वस्वं मूर्ति लीलाधिदैवकं राधिकां रसम अंतिन राधिका राधिकां रमयन् नित्यं रामयेति अभिधीयते। कहते हैं विज्ञाय भगवत तत्वम चिद्घनानंद विग्रहम। जब तक निबंधि होकर के परम श्रद्धा के साथ भगवान के श्री नाम का अनुस्मरण नहीं करेंगे, तब तक भगवत तत्व क्या है वो कभी भी हमारे हृदय में प्रस्फुट नहीं होगा, अनुभवीय नहीं होगा। और जिस क्षण इस प्रकार परम शरणागत होकर के भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, तब भगवत तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित होकर के भगवान के नाम के क्या स्वरूप है, चिदघन आनंद स्वरूप, एकदम घनीभूत आनंद है, परमानंद है भगवान के नाम का स्वरूप, वो चीज अनुभव होगा। और इस प्रकार भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, घनानंद मूर्ति स्वरूप है, उसी प्रकार भगवान के नाम भी अपने पूर्ण शक्ति पूर्ण स्वरूप पूर्ण रस लेकर के प्रकटित हुए हैं। और उसी समय भगवान के नाम में और भगवान में किस प्रकार का भेद साधक के हृदय में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हरति अविद्यम, भगवान के नाम सब प्रकार के अविद्या को हर लेते हैं। और जब तक अविद्या हमारे हृदय में रहेगा मन में रहेगा, तब तक शुद्ध विद्या भगवत तत्व ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे हृदय को हृदय के सब प्रकार अविद्या को हरण करने के लिए हरे, भगवान श्री हरि का एक नाम हरे है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण है जो जीव के समस्त प्रकार के अविद्या को हरण करके अपने प्रति परम आकर्षित करते हैं। क्योंकि कृष्ण शब्द के अर्थ यही है, सर्वाकर्षक, कृष्ण इति अभिधीयते, सबको अपने और आकर्षित करने के लिए उनका एक नाम कृष्ण है। समस्त प्रकार के अविद्या को हरण करके अपने रूप में अपने मधुरिमा में अपने तत्व में सबको आकर्षित करने के कारण उस हरि का नाम हरे पड़ गया। हरेति श्री कृष्ण मन कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी। हरेति श्री कृष्ण मन, और श्रीमती राहरानी नित्य निरंतर कुंज में श्री कृष्ण के मन को हरण करने के कारण क्या हुआ, तुमको बार बार जमाई आ रहा है, नींद आ रहा है? हरण करने के कारण किस प्रकार से अपने सेवा के द्वारा अपने माधुर्यता के द्वारा विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधारानी श्री हरि के चित्त को हरण करके अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए दूसरा जो हरे कृष्ण है, कृष्ण मन को हरण करने का कारण वहाँ राधारानी हरे हो गई है, हरा। प्रथम हरे कृष्ण में जीव के अविद्या को हरण करने के कारण वहाँ हरि हरे हो गए। दूसरे हरे कृष्ण में श्रीमती विश्वानुरंदिनी राधारानी श्री कृष्ण के मन को हरण करने के लिए के कारण वहाँ हरे हो गए। देखो, जब अविद्या रूपी परम अंधकार दूर हो जाती है, वहाँ दूसरे हरे कृष्ण में
ब्रज के जो परम मध्यम स्वरूप राधा कृष्ण के जुगल मूर्ति का दर्शन होता है, अन्यथा और आनंदैक सुख स्वामी श्याम कमल लोचन। कृष्ण आह्लादिनी स्वरूपिणी, कृष्ण को जो नित्य निरंतर आह्लाद प्रदान करती है वही वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी कृष्ण के मन को हरण करने के लिए कारण उनका नाम हरा है और हरा को संबोधन में हरे कहते हैं, अर्थात श्रीमती राधा रानी ही हरे है और कहती है गोकुलानंदनो नंद नंदन कृष्ण इति जाते, गोकुल के आनंद स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण भी उसी प्रकार जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को नित्य निरंतर सुख प्रदान करने की चेष्टा करती है उसी प्रकार ये नंदन कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी को उसी प्रकार सुख प्रदान करने सुख सुख प्रदान करते हैं, करने के लिए उनका समस्त चेष्टा समस्त अभिलाषा रहता है। क्यों? क्योंकि वो गोकुल के आनंद प्रदान करने वाले गोकुलानंद है। हमारे गुरुजी ने हमारे ठाकुर जी का नाम भी गोकुलानंद ही रखा, गोकुल आनंद है। जो भक्त हमेशा उस गोकुल के आनंद स्वरूप गोकुल के महोत्सव में, कौन सा महोत्सव में? नाम संकीर्तन रूप महोत्सव में, गोकुल महोत्सव कृष्ण नाम संकीर्तन, उस गोकुल के नाम संकीर्तन रूपी महोत्सव में जो भक्त हमेशा अपने आप को निमज्जित रखता है, ऐसे नाम संकीर्तन रूपी महोत्सव में निमज्जित रखने वाले भक्त के मन को गोकुलानंद गोकुल के आनंद स्वरूप श्री कृष्ण नित्य निरंतर परिवर्धित करते रहते हैं, इसलिए वो कृष्ण कृष्ण है। उस नंदन नंदन कृष्ण कृष्ण इस में वो अपने शरणागत भक्त को परम आनंद प्रदान करते हैं, परम आह्लाद प्रदान करते हैं। और वैदग्धि सार सर्वस्वम मूर्ति लीलाद दैवतम, परम विदग्ध स्वरूपिणी परम मदनाख्य स्वरूपिणी परम आह्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी को सुख आसन कराने के लिए कृष्ण हमेशा सतीश रहते हैं, कभी उनका तृष्णा परिपूर्ण नहीं होता है। जिस प्रकार से भक्त परम प्रेम विवलित होकर के भगवान के सुख को जितना परिवर्धित करे उतना ही सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन कभी वो अपने तृष्णा को सुख परिवर्धन करने वाली तृष्णा को वो समाप्त नहीं कर पाता, उतना ही उसका तृष्णा बढ़ते जाता है। उसी प्रकार भक्त भी अपने भक्त के इस आनंद स्वरूपिणी तृष्णा को परिवर्धित करने के लिए हमेशा सतृष्ण रहते हैं, प्यासा रहते हैं। ऐसा और इसलिए श्रीमती राधा रानी को नित्य निरंतर उस सुख आस्वादन में निमज्जित रहकर रखने के लिए उनके मन को हरण करते हैं भगवान, क्योंकि जिसके मन एक बार भगवान के द्वारा हरित हो जाता है, हरण कर लिया जाता है, वो फिर नित्य और निरंतर उस दग्ध रसामृत सिंधु स्वरूप परम आह्लादिनी मदनाख्य भाव में प्रमज्जित रह करके
वो हरण करने का फल प्राप्त होता है। कृष्ण जिसको हरण कर ले, कृष्ण जिसको चुरा ले, इसी तरह भगवान को चौराधिपति कहा गया है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, श्री राधिकाय हृदयश्च चौरम नवम बुदश्याम लोकांति चौरम। श्रीमती राधा रानी के ब्रज के समस्त गोपियों के नवनित क्या है, नवनितस्य चौरम। ये नवनित तो सारी गोपियों के प्रेम का संपूजित वस्तु है। गोपियों ने अपने प्रेम को, अपने परिश्रम को, गाय को सुंदर सुंदर, पहले गाय को एकदम सुंदर रूप से सेवा करना, फिर उसका दूध निकालना बड़े प्यार से, फिर उसको गर्म करना, दही जमाना, फिर मथ के मक्खन निकालना, ये गोपियों का प्रेम है जो माखन बनीत है। भगवान की चुराने जाते थे, उस प्रेम को संचित करके सारी गोपियां उसको एकत्रित करके एक जगह में रख देते थे। उस एकत्रित प्रेम को भगवान चोरी करके लाते थे, क्योंकि अपने हृदय के अभ्यंतर गोपियों ने केवल कृष्ण सुख तात्पर्यमय भाव को लेकर के उस नवनीत को बनाते थे, उस मक्खन को बनाते थे। वो बोलते थे वो तो छत के ऊपर होता था, लेकिन नहीं, गोपियों ने अपने यहां छिपा कर रखे थे हृदय में। कृष्ण करके उनके हृदय को फाड़ करके उस नवनीत को, उस मक्खन को ले जाते थे। नवनीतस्य चौरम श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम, इसलिए वो राधा रमन है। राधा रानी के हृदय को चोरी करने, हरे राम 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 हरे हरे, हरति राधा मानस राधा हृदय हरति इति राधा रमन। और राधा रानी के मन को, राधा रानी के हृदय को इस प्रकार हरण करके राम राम बोलते हैं। उस राधा रमन राम के अंदर में जो शरणागत भक्त है, जो नित्य सिद्ध भक्त है, जो साधन सिद्ध भक्त है, केवल उस राम राम यानी हरे हरे श्रीमती राधा रानी उस राम राधा रमन राम रूपी मदनाख्य प्रेम के समुद्र में अपने आप को निमज्जित नहीं कर सकता, लेकिन श्रीमती राधा रानी वहां पर सुख प्राप्त करती है। कृष्ण किस प्रकार से श्री राधा रानी को सुख प्रदान करने के लिए चेष्टा करते हैं, उसको अनुभव करता है। और यही अनुभवीय वस्तु ही साधक का, भक्त का परम संपद है। चिद्घन आनंद रूप श्री भगवान नाम रूपे कली काले यही तो प्रमाण, अविद्या हरण कार्य हैते नाम हरि अतएव हरे कृष्ण नाम जयतरी। कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी श्री राधायामार कृष्ण मन हरे ताई हरा नाम तार, क्रिया राधा कृष्ण शब्दे श्री सचिदानंद रूप ऐ कृष्ण शब्दे राधा कृष्णेर स्वरूप।
आनंद स्वरूप राधा तार नित्य स्वामी कमल लोचन श्याम राधा आनंद कामी गोकुल आनंद आनंद नंदन श्री कृष्ण राधा संग स्वादे सर्वदा सती कृष्ण वैदग्ध सार जुगल स्वरूप रूपिणी श्री राधा कृष्ण के श्री रूप का, उनके लीला का, उनके माधुर्यता का और उस नाम के जुगल स्वरूप में अवस्थित जो रस है उसको आस्वादन करते करते जब हम चिंतन करेंगे तभी उस नाम के परम मधुरिमा को, परम उत्कर्षता को अनुभव कर पाएंगे, उस रस को हम आस्वादन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए नारद नारद पुराण में यही कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम बलम करो नास्ति 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 गति अन्यथा अन्य कर्म धर्म छाड़ी हरि नाम स्मर कलिजुगे तहाँ बिना गति नहीं यार। कलिजुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम ही स्वयं श्री कृष्ण ही नाम के रूप में अवतरित हुए है। कलिजुगे नाम रूप पे कृष्ण होता है। और कहते हैं भगवान के उस नाम को छोड़ करके ये संसार सागर से उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्म धर्म छाड़ी हरि नाम स्मर सर्वधर्मान परित्यज्य मम शरणम व्रज, सब प्रकार के धर्म को, कर्म को, तपस्या को, योग को, मोक्ष प्राप्ति के उपाय को छोड़ करके केवल और केवल भगवान के श्री नाम का आश्रय ग्रहण करो, इसी से ही तुम्हारा संसार से निस्तार होकर के भगवत प्रेम रूपी उस अचिंत्य अगम्य उस अमृत के सागर में उड़ने को सुजोग मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए श्रीमद्भागवत कहते हैं नक्तम दिवाच गतर्भी जितनी दैको निर्विन्न इक्षत पथो मिथु प्रशांत यच्युते भगवती समनो न सज्जे नामानि तद्रतिकानि पठेद विलज्जः। कहते हैं अगर भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री अच्युत के नाम में हमारा मन निर्विष्ट चित्त नहीं होता, भगवान के नाम में हमारा चित्तवृत्ति नहीं लगता, तब भगवान के रति युक्त, भगवान के रस युक्त जो नाम है, जैसे कि यशोदानंदन, ब्रज वल्लभ, गोपिका वल्लभ, कुंज बिहारी, राधारमन, गोपीचंद वल्लभ, इस प्रकार रतियुक्त जो मुख्य मुख्य भगवान के नाम है उसको समस्त प्रकार के लज्जा परित्याग कर करके अहर्निशि कीर्तन करो, राधिन कीर्तन करो, चिंतन करो, क्योंकि जिस समय भगवान के इस नाम के शक्ति को, हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर क्या शक्ति अंतर्निहित है। कभी कभी ऐसे भी होता है
कोई वस्तु को जिस प्रकार बहुत ही सुंदर रूप से बनाया गया है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स दे करके, बहुत सारे मलाई मक्खन दे करके बनाया हुआ ऐसा लड्डू, अगर हम जो जिसका किडनी वगैरह ठीक है, पेट ठीक है, वो तो खा के हजम कर लेगा, और रोज रोज खाने से हमारा किडनी भी खराब हो जाएगा अगर उसको हम बराबर से सुनियोजित रूप से ना चले तो। उसी प्रकार भगवान के श्री नाम के, विशेष रूप से श्रीमन महा श्री महामंत्र के शक्ति को, उसके अंतर्निहित रस को जानने के बाद, श्रवण करने के बाद, अगर उसको जप करने के लिए हमारा मन नहीं लगता है, यानी उसको हजम करने के लिए हमारा साक्षी नहीं है, तो भगवान के श्री चरणों में कातर युक्त होकर के, प्रणति होकर के, उनके रति युक्त जो नाम है राधा रमन गोपी जन वल्लभ कृष्णांत, इस प्रकार के नाम का समस्त प्रकार के लज्जा को परित्याग करके जब हम प्रार्थना करेंगे, तब सज्जेत नामानि तदरति करानि पठेत विलज्ज, तब परम भाव से निवेद को प्राप्त करके, निद्रा को परित्याग करके, करते प्रशांत चित्त होकर के, अल्पाहार करते हुए, परमार्थ के प्रदर्शित पथ पर चलते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, इसी नामों को लेकर के हम भगवान के श्री महामंत्र नाम में अधिकार प्राप्त करेंगे, रति प्राप्त करेंगे, उसमें निष्ठा प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए रात्र दिन निद्र निर्विघ्न निर्भय मितभुक् प्रशांत निर्जने चिंतामय लज्जात्यजि कृष्ण रति उद्दीपक नाम उच्चारण करे कृष्ण भक्त कृष्ण शक्ति काम। इसलिए श्रीमद्भागवत में कहते हैं एतावान एव लोके अस्मिन् उनसाम धर्म परह स्मृतः भक्ति योग भगवती तत्नाम ग्रहणादि भी। बल्कि भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री गोविंद के नाम को ग्रहण करते हुए, उच्चारण करते हुए, भगवान वासुदेव के जो पूजा किया जाता है, जो अर्चन किया जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान के नाम कीर्तन ही भगवान का परम अर्चन है, परम पूजा है, और यही परधर्म नाही तारे निर्णय स्वरूप, बोलते यही परधर्म है। और इस परधर्म भगवान के नाम कीर्तन रूपी प्रेम में निमज्जित होकर के जब जीव भगवान के उस नाम रूपी रस का आस्वादन करता है, तब उसके कुंज भंग होता है। अर्थात इस संसार के समस्त प्रकार के आसक्ति से मुक्त होकर के राधा कृष्ण की जो कुंज भंग लीला है, उसमें अधिकार प्राप्त करता है। क्या है वो जो हम लोग सुबह करते हैं, रात्र्यंत त्रस्त वृंदेरित बहुबीर विवधी तो किरसारी पद्ये हृदय अर्ध्रेरपि सुख सजनाद उद्धितौ तौ सखिभि दृष्टौ हृष्टौ तदा त्वदीतरति ललितौ कखटिगी सशंकु राधा कृष्ण सतृष्णवपि निज निज धर्माप्त तल्प स्मरामि। देखो प्राय आज 8-9 दिन हो गया, केवल साधन भक्ति का अनुष्ठान किस प्रकार का है, किस प्रकार से साधन के क्रम को श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया निष्ठा रुचि भाव
ये सब क्रम में अवस्थित होकर के भगवान श्रीमन महापुरुष के द्वारा आचरित प्रचारित प्रदायित प्रेम रूपी नाम को किस प्रकार से हम लोग जप करेंगे, कीर्तन करेंगे और परम शरणागत होकर के परम निष्ठा के साथ रुचि के साथ जब हम भगवान के नाम कीर्तन करते हैं तब भगवान के श्री नाम समस्त प्रकार से समस्त प्रकार के अपराध को विनिर्मुक्त करके भगवान के नित्य लीला स्मरण करने का सुयोग प्रदान करते हैं। और उन नित्य लीला में भगवान किस प्रकार से कुंज भंग लीला करते हैं, किस प्रकार से सखियां भगवान को उस निकुंज से उत्थापित करके उनकी नित्य लीला में सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, उसको श्रवण करने का, उसको चिंतन करने का अधिकार प्राप्त होता है केवल नाम संकीर्तन के चिंतन से। कल श्री नाम प्रभु की कृपा से किस प्रकार उस नाम के चिंतन, उस लीला के चिंतन का अभ्यास किया जाता है, किस प्रकार से भगवान के उस नित्य लीला का अनुष्ठान होता है, उसको भक्त ने अपने अपने भाव के अनुसार अनुभव किया है और उनके उन अनुभवीय भाव ही हमारे सामने प्रस्तुत होता है जिसको हम लोग चिंतन करते हैं। तो उसी प्रकार क्रम के अनुसार भगवान के नाम कीर्तन करने से यही लीला चिंतन रूपी धन प्राप्त होता है जो कल हम लोग उस लीला चिंतन को खुला स्मरण करेंगे। हरे कृष्ण मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितान पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे इसमें लोग सुनते हैं।